Good morning, students. Welcome to Cambridge School of Learning. Today we will read chapter number 1 of English Reader class 2. And the chapter is Kilu the Mongoose. Kilu Nevla. Kilu the Mongoose. Kilu ek Nevla. Everybody in this world is different and this difference should be respected. संसार में सारे लोग एक दूसरे से भिन्न हैं और हमें इस अंतर का आदर करना चाहिए. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंस डेट ग्रेट अचीवमेंट्स आर एकम्प्लिस्ड और इन्हीं अंतरों के आधार पे हम लोग बहुत महान कार्यों को पूरा कर पाते हैं. कीलू द मोंगूज लिव्ड इन द बैक गार्डन ऑफ मेघनाज हाउस. कीलू एक नेवला मेघना के घर के पीछे बगीचे में रहता था. ही लिव विथ हिज मदर एंड थ्री लिटिल ब्रदर. वह अपनी माँ और तीन भाई छोटे भाइयों के साथ वहाँ रहता था. दे हैड लॉन्ग बॉडीज विथ शॉर्ट लेग्स. उनका शरीर लंबा और पैर छोटे थे. दे हैड बुशी टेल्स एंड टाइनी ईयर्स. उनकी पूँछ झाड़ियों की तरह थी और कान छोटे छोटे थे. Their bright eyes shone like beads. उनकी चमकीली आँखें मोतियों की तरह चमकती थीं. His brother were already good hunter like their mother. उसके भाई उसकी माँ की तरह बहुत अच्छे शिकारी थे. But Kilu was not smart like his brother. लेकिन Kilu अपने भाइयों की तरह स्मार्ट नहीं था, चालाक नहीं था. He did not like chasing mice, garden rats like they did. उसे चूहों के पीछे भागना या जंगली चूहों के पीछे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. He did not even like to go for frogs and lizard. उसे छिपकली और मेंढकों के पीछे जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था. And he dislike snakes most of all. और उसे सांप सबसे ज़्यादा नापसंद थे. His brothers often laughed at him, little coward. उसके भाई अक्सर उसके ऊपर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसे चिढ़ाते थे. ये देखो छोटा डरपोक. Kilu liked chasing grasshopper. Kilu को grasshopper के पीछे भागना बहुत पसंद था. They were fun. उससे उसमें मज़ा आता था. It was also fun to climb up trees and peep into birds' nest. उसे पेड़ों पे चढ़ना और पंछियों के घोंसलों में देखना झांकना भी बहुत पसंद था. He liked to eat birds' egg. उसे चिड़ियों का अंडा खाना भी बहुत पसंद था. He also liked eating roots and berries. उसे पेड़ों का जड़ खाना और पेड़ों के ऊपर लगे फलों को खाना भी बहुत पसंद था. His brother said that it was a disgrace to be so tame. उसके भाई कहते थे कि ये बहुत ही बेइज्जती करने वाला है ऐसा बेवकूफ होना. They fought with snakes often killed. वे अक्सर सांपों के साथ लड़ाई करते थे और उन्हें मारते थे. तो जैसा अभी तक आप सभी ने पढ़ा, ये कहानी Kilu एक नेवले के बारे में है जो कि अपने भाइयों के साथ मेघना के घर के पीछे बगीचे में रहता था. उसके तीन भाई थे और एक माँ थी जो सब एक परिवार की तरह मेघना के घर के पीछे बगीचे में रहते थे. नेचर से Kilu बेहद शांत स्वभाव का था. उसमें बाकी भाइयों की तरह शिकारी प्रवृत्ति ना के बराबर थी और वो अपना जीवन अपने तरीके से जीने में विश्वास रखता था. इन चीज़ों के लिए अक्सर उसके भाई उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसे डरपोक कहते थे. लेकिन Kilu को इन सब बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था. उसे सिर्फ अपने तरीके से अपने जीवन को जीने में मज़ा आता था और वो अपने जीवन से बेहद ही खुश था.
इससे पता चलता है कि आप दूसरों की बातों से नाराज ना हो, दूसरों के चिढ़ाने से दुखी ना हो और अपने तरीके से अपने जिंदगी को जिए। They liked meat best. उनके भाइयों को मांस सबसे ज़्यादा पसंद था। माँ, Why do you keep chasing rats and mice like a cat? Kilu asked one day. एक दिन कीलू अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम चूहों के पीछे बिल्ली की तरह क्यों भागती हो? नेवले जो है चूहा, चूहा, छिपकली, सांप, मेंढक आदि को खाते हैं और उसे ये समझ कीलू को ये समझ में नहीं आता था कि उसकी माँ जो है वो चूहों को क्यों खाती है। उसे लगता था चूहों को सिर्फ बिल्लियाँ खाती हैं। आई डोंट, सेड हिज मदर फर्मली। उसकी माँ बोलती है मैं नहीं दौड़ती। द कैट अटैक्स माइस ऑन द स्लाई। वी डोंट, वी ऑलवेज अटैक क्रिएचर ओपनली एंड डायरेक्टली एंड यू ऑल यू एवर डू इज शक एग्स एंड ईट बेरीज। उसकी माँ बोलती है नहीं, मैं नहीं बिल्ली की तरह करती। बिल्लियाँ जो हैं वो चूहों पे छुप के अटैक करती हैं, हम नहीं करते। हम अपने शिकार को सामने से अटैक करते हैं और तुम देखो तुम क्या करते हो, सिर्फ अंडे खाते हो और बेरीज खाते हो। यू शुड हैव बीन ए बर्ड एंड नॉट ए मोंगूज। तुम्हें एक चिड़िया होना चाहिए था ना कि एक नेवला। टीज्ड हिज ब्रदर। उसके भाई उसे चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें नेवला होने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें तो एक चिड़िया होना चाहिए क्योंकि तुम अंडे खाते हो और फल खाते हो। कीलूज आईज फिल्ड विथ टीयर। कीलू की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ही कुड नॉट हेल्प बींग डिफरेंट। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन लोगों से अलग कैसे है। ही वॉज श्योर देयर वेयर अदर मोंगूज लाइक हिम। उसे पूरा यकीन था कि और भी नेवले उसके जैसे जरूर होंगे। अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट नो एनी। लेकिन दुर्भाग्यवश वह वैसे किसी नेवले को नहीं जानता था। डोंट टीज हिम। उसे चिढ़ाओ नहीं, बोलती हैं उसकी माँ, सेड देयर मदर। कौन बोलता है, कीलू की माँ बोलती हैं अपने बाकी बच्चों से, डोंट टीज हिम, उसे मत चिढ़ाओ। ही इज़ वेरी यंग येट आई एम श्योर ही विल टू कैच ए स्नैक समडे एंड वी शैल ऑल बी प्राउड ऑफ हिम। उसकी माँ कहती है कि ये अभी बहुत ही छोटा है और मुझे पूर्ण यकीन है कि एक दिन वह एक सांप को भी पकड़ेगा और उस दिन हम सभी उसके ऊपर गर्व करेंगे। कीलू कैच अ स्नेक, लाफ द अदर्स। बाकी भाई हंसते हैं, कीलू सांप पकड़ेगा, ही हैजंट इवन किल्ड ए टाइनी माउस एज येट। उसने अभी तक एक छोटे से चूहे को भी नहीं मारा है और वो सांप पकड़ेगा। कीलूज ब्रदर वेयर एग्जाइल। ही ऑफन वॉच देम प्ले विद स्नेक्स, दे नेवर गॉट बिटन बाय देम। टू देम इट वॉज एन एक्साइटिंग गेम। कीलू के भाई बिल्कुल अलग थे। वे कीलू हमेशा उन्हें देखता था सांपों के साथ खेलते हुए और सांप कभी उसे काट नहीं पाते थे। उनके लिए एक रोमांचक गेम के बराबर था, खेल के बराबर। कीलू ऑफन सॉ दैट दे अटैक्ट अ स्नेक व्हेन इट लोअर्ड इट्स हेड टू स्ट्राइक एंड स्नैप इट्स हेड किलिंग इट। इट वॉज रियली वेरी क्लेवर। कीलू हमेशा देखता था कि वो सांप पे तब अटैक करते हैं जब सांप अपना फन नीचे किए रहता है और उसको मार देते हैं। ये एक बहुत ही चालाक तरीका लगा उसे। द गार्डनर डिड नॉट चेज अवे द मोंगूज फैमिली। जो बगीचे का माली था वो कभी भी मोंगूज फैमिली को बाहर नहीं भेजता था, भगाता था। ही लेफ्ट देम अलोन। वो उन्हें अकेला छोड़ देता था। कीलू वंस हर्ड
him telling Meghna that they were very useful because they killed rat, mice, snake, insect and scorpion. एक बार उसने सुना कि वो मेघना से कह रहा था कि ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि वे चूहों को, छुछुंदरों को, सांपों को, कीड़े मकोड़ों को और बिच्छुओं को मार देते हैं. कीलू लाइक्ड मेघना. कीलू को मेघना पसंद थी. सी ऑफन गेव हिम नट्स एंड बेरीज. वो उसे अक्सर बादाम और बेरियां देती थी. एंड सी कॉल्ड कीलू हिज फ्रेंड. और वह उसे अपना दोस्त कहती थी. कीलूज ब्रदर डिड नॉट लाइक ह्यूमन बींग. कीलू के भाइयों को इंसान पसंद नहीं थे. वे कीलू को हमेशा उसके इंसानी दोस्त को लेके चिढ़ाते थे. क्यों चिढ़ाते थे? कहते थे कि तुम मोंगूज हो और इंसान से दोस्ती रखे हो. नेवले और इंसान कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं. तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैसे कीलू के भाई उसका मजाक उड़ाते थे और वो बाकी नेवलों से अलग था, लेकिन उसका विश्वास था कि नेवले उसकी तरह भी हो सकते हैं और जरूर दुनिया में उसके जैसे भी नेवले होंगे. और इसी विश्वास के साथ वह अपने स्वभाव में कुछ खास अंतर नहीं ला रहा था और ना ही वह कभी अपने स्वभाव को लेके घबराता था, परेशान होता था. जबकि उसके भाई हमेशा जब भी मौका मिलता उसे चिढ़ाते थे, उसे परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे. लेकिन कीलू को मालूम था कि वह उन लोगों से भिन्न है और हर इंसान एक दूसरे से भिन्न होता है. हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं. हमें अपनी खामियों को दूर करना चाहिए और खूबियों को पहचानना चाहिए. वन आफ्टरनून कीलू वाज ऑल अलोन इन द गार्डन. एक दोपहर की बात है, कीलू गार्डन में बिल्कुल अकेला था. मेघना वाज फास्ट अस्लीप अंडर ए ट्री. मेघना पेड़ के नीचे सो रही थी. कीलू सडनली सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग नियर बाय. कीलू ने अचानक एक सांप को देखा जो कि जमीन पे रेंग रहा था. कहाँ रेंग रहा था? गार्डन में जहाँ पे मेघना सोई थी उसके बगल में, नियर बाय, उसके आसपास रेंग रहा था. इट लुक्ड लाइक ए कोबरा. वो देखने में कैसा लग रहा था? कोबरा की तरह, अजगर की तरह लग रहा था. इट वॉज वेरी क्लोज टू द गार्डनर्स डॉटर. वह कहाँ था? बहुत ही पास में था, मेघना जो कि गार्डनर की बेटी थी उसके पास. विल इट बाइट हर. कीलू सोचता है क्या ये उसे काटेगा? कीलू जम्प्ड अप एंड वॉज ऑन टॉप ऑफ द स्नेक लाइक ए स्ट्रेक ऑफ लाइट. कीलू तुरंत उछलता है और सांप के ऊपर जा बैठता है जैसे बिजली चमकी हो, इतने तेज गति से वो जाता है. ही स्नैप द बैक ऑफ इट्स हेड जस्ट लाइक ही हैड सीन हिज ब्रदर डू. वो पीछे से सांप के सिर को दबोच लेता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसने अपने भाइयों को करते हुए देखा था. टेकन बाई सरप्राइज द स्नेक डाइड ऑन द स्पॉट. अचानक से हुए हमले से सांप बच नहीं पाया और वो मौके पे ही मर गया. कीलू लुक्ड एज इफ ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज. और कीलू को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो कभी एक शिकार नहीं किया और सीधा उसने सांप का शिकार कर लिया. जस्ट देन हिज मदर रस्ट इनटू द गार्डन. उसी समय उसकी माँ तेजी से बगीचे में आती है. कीलू हैव यू किल्ड दिस कोबरा, सी क्राइड एक्साइटेडली. वो पूछती है कीलू क्या तुमने इस कोबरे को मारा है? आई एम प्राउड ऑफ यू. मुझे तुम पे बेहद गर्व है. हुर्रा फॉर कीलू, क्राइड हिज ब्रदर. उसके भाई चिल्लाते हैं हुर्रे कीलू के लिए, कीलू की तारीफ करो, वाह वाह. You have beaten us all. None of us have killed a cobra yet. बोलते हैं उसके भाई कि तुमने तो हम सभी को पछाड़ दिया,
हमने आज तक कोबरा को नहीं मारा। किलो स्माइल्ड हैप्पीली। ही वॉज हैप्पियर बिकॉज ही हैड सेव्ड हिज फ्रेंड फ्रॉम बीइंग बीटन। वह खुश था क्योंकि उसने अपने भाइयों को प्रूव कर दिया था कि वह कायर नहीं है और उसने अपने दोस्त को सांप के डंक से बचाया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी छुपी हुई प्रतिभा होती है, खूबियां होती हैं, और हमें बस साहस करने की देर है। जिस दिन हम साहस कर लेते हैं, कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जिस प्रकार देखने में कायर डरपोक लगने वाले कीलू ने एक ही बार में सीधा किसको मार गिराया? कोबरा को मार गिराया, अजगर को मार गिराया, और उसके भाई जो उसका एक समय मजाक उड़ाते थे आज उसके लिए हुर्रे बोल रहे हैं। उसकी माँ जो उसके लिए परेशान रहती थी आज उस पर गर्व महसूस कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है वर्ड मीनिंग। नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको कॉपी पे इन शब्दों को नोट करना है और इसका इंग्लिश मीनिंग याद करना है। बुशी, बुशी मीन्स झाड़ की तरह। कावर्ड, कावर्ड मीन्स डरपोक। पीप, टू लुक, पीप मतलब झांकना। डिसग्रेस, शेम, डिसग्रेस मतलब सेम, जो इंसल्ट हो, बेइज्जती। टेम, नॉट करेजियस, साहसी नहीं होना। सीक्रेटली, ऑन द स्लाई मीन्स ऑन द स्लाई मतलब सीक्रेटली। अनफॉर्चुनेटली, अनलकली, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश। एजाइल मतलब स्विफ्ट। स्ट्रिक, अलाइन, स्ट्रिक मतलब अच्छा, एक तेज गति से। स्नैप, टू ब्रेक विद अ नॉइज, स्नैप मतलब एक झटके में किसी चीज को तोड़ देना। रश, रश मतलब टू मूव स्पीडली, रश मतलब बहुत तेजी से किसी चीज को करना। तो ये सारे वर्ड्स को आप लोग लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।